press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार महविश नाज़ को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ये बताएंगी कि कैसे सच बोलने पे ये जो मौलवी मुल्ला है और खासकर कट्टरपंथी है उन पे कैसे हमला करते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाज़िया जी, जो कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बेटी हो के आपको मिला या आपको दिया जा रहा है, आपको लगता है कि ये हर देश में मुसलमानों की बेटियों को दिया जाता है ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके, अपनी सिक्योरिटी कर सके? क्योंकि इंडिया इस वक्त जहाँ पे है पूरी दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की नजर में इमेज बहुत कंजर्वेटिव सा है कि वहाँ पे लोग आजादी से नहीं रहते, वहाँ मुसलमानों को दबाया जाता है। मगर यही सारी चीजें अगर आज हम देखें तो हमारे पाकिस्तान के खुद के अंदर हो रही है कि जिस तरह से आप वहाँ बैठ के बोल रही, इवन मैं भी यहाँ बैठ के नहीं बोल सकती हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने आपको इन्वाइट किया मगर मैं नहीं बोल पा रही हूँ जो आप बोल रही है। तो व्हाट यू सी, क्या डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस देखते हैं? देखिए, कश्मीर की बद से बदतर हालात तब तक रही जब तक कांग्रेस की सरकार थी। कश्मीर में हिंदू जजेस को, मैजिस्ट्रेट को गोली से मार दिया जाता था। कश्मीर में पंडितों की बेटियों को बेआबरू किया जाता था, पंडितों की बेटियों को। कश्मीर में मुसलमानों ने बहुत सारे नारे लगाए थे, आजाद कश्मीर का नारा लगाया था, इंडियन डॉग्स का नारा लगाया था, जो हिंदू हुआ करते थे उनको इंडियन डॉग्स बोला जाता था, लोगों को सरे आम मारा जाता था, किसी तरीके के कोई कानून को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, आजाद कश्मीर का झंडा बना करके वहां पर हिंदुस्तान के झंडे को निकाल करके जमीन पर फेंक दिया जाता था और आजाद कश्मीर का झंडा लगाया जाता था, वहां पर ला इलाहा का नारा लगाया जाता था। लेकिन आज 370 हटने के बाद कहां गए वो पत्थरबाज, कहां गए वो आतंकवादी, कहां गए वो टेररिस्ट जो कभी ये इल्जाम लगाया करते थे कि भाई ये कश्मीर तो हमारी है, मुसलमानों की सरजमीन है। भाई हिंदुस्तान में हम सबका हक है, हिंदुस्तान की आजादी में जो लहू बहाए हैं विनोद बादल दिनेश ने, जो लहू बहाया है बाकी जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, मैं उनको अपना हीरो क्यों नहीं मानूंगी? भाई मैं क्यों नहीं मानूंगी? मैं गांधी जी को अपना हीरो क्यों नहीं मानूंगी? मैं विनोद बादल दिनेश को अपना हीरो क्यों नहीं मानूंगी? मैं भगत सिंह को अपना हीरो क्यों नहीं मानूंगी? मैं तो मानूंगी, मैं तो उनको ही अपना हीरो मानूंगी। नाज़िया जी, कश्मीर फाइल के बाद जी मैं कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में आज हिंदुस्तान की बेटियों की हिम्मत, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि एक वक्त था जब हिंदू और मुसलमान कोई भी सच्चाई के बारे में खड़े होकर के स्टैंड करके बोल नहीं पाता था। जो मुसलमान ये समझता भी था ना कि ये गलत हो रहा है, वो भी बोल नहीं पाता था अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए। पर आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जिसने जुबान और हिम्मत दोनों दे डाली है। आज हम जैसी लड़कियां सामने आ करके सच को सच और गलत को गलत सामने रख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये कांग्रेस की सरकार थी तब क्या मैं कह सकती थी कि तीन तलाक बंद हो जाना चाहिए, मुझे पता नहीं टेररिज्म सेक्शंस डाल करके मुझे कांग्रेस की सरकार जेल करवा देती? हालांकि मैं जो भी बातें कर रही हूँ वो कुरान से कर रही हूँ। कुरान ने तो नहीं कहा है कि तलाक होना चाहिए, कुरान ने तो, प्रॉफिट मोहम्मद ने तो मजेदारी के लिए चार शादियां नहीं की थी, सेक्स टॉय बनाने के लिए तो चार शादियां नहीं की थी, इन्होंने तो मोल्ड करके ट्विस्ट करके अपने अपने मजेदारी के लिए चार शादियों को रखा है। ये जो बातें आ रही है 72 हूरों की, जो बातें आ रही है कि वर्जिन हूर मिलेगी, ये जो जन्नत में चकला बनेगा, प्रोस्टिट्यूट एरिया बनेगा, ये तो कुरान नहीं कह रहा है, ये तो हदीस कह रहा है। हम हदीस क्यों मानेंगे? जो हम कुरान को मानेंगे, हम 30 पारे को मानेंगे। तो ये हिम्मत हमें कब से आई है? ये हिम्मत हमारे एडुकेशन से आई है, ये हिम्मत हमारी सरकार से आई है, ये सच बोलने की हिम्मत हमें कुरान से मिली है, ये सच बोलने की हिम्मत हमें संविधान से मिली है। आप अगर आज बोलिएगा कल आपके चैनल को बंद कर देगा पाकिस्तान, कल आपको नोटिस थमा देगा पाकिस्तान, कल आपके आपके अगेंस्ट में केस कर देगा पाकिस्तान, तो आपके आपके लिए स्टैंड में खड़े होने वाला कौन है? तो मैं तो उन हिंदू सनातनी भाइयों का खुद के लिए तो मैं ऑब्लाइज फील करूंगी ना कि मुझे कुरान को एटलीस्ट सही से साबित करके बताने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं तो आपके साथ डिस्कशन बाइबल का या भगवत गीता का नहीं कर रही हूं,
मैं तो हनुमान चालीसा का डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं को चुप करना, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी मौलानाओं के जैसे मौलानाओं के ऊपर केस फाइल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुसलमान के पूरे माहौल को हिंदुस्तान में खराब कर रहे हैं। नाजिया जी, पहले कश्मीर फाइल आई, उस पे मुसलमानों ने बहुत फतवे जारी किए, बहुत ज्यादा आवाजें उठी के पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा उठी के बदनामी की ओर जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। केरला स्टोरी आई, बैन करने तक जो है ना एहतजाज हुए, इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे एहतजाज हुए कि इसको बंद हो जाना चाहिए, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, मुसलमान की इंसल्ट हो रही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। अब 72 हुरों का जो हमारे सामने बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, क्या लगता है आपको क्यों इसको इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं? अगर ये सच है तो मुसलमान को तो सच के साथ होना चाहिए, वही मुसलमान उस सच के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? देखिए, मैं आपको बहुत शांति और पोलाइटली तरीके से मैं आपको बता दूं, इस सच को कोई आंच नहीं लगा सकता है। सेकंड थिंग इज कि जब ये मैटर, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में रोड पर जस्टिस नहीं मिलता है, आपको कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। आप रोड पर जितना भी चिल्ला लीजिए, लुंगी पहन करके और टोपी पहन करके टोपी पहनाने का काम कर लीजिए, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जब आप द केरला स्टोरी, मैंने खुद फाइल किया उसके बैन को रिमूव करने के लिए पश्चिम बंगाल में, जब सबमिशन और हेयरिंग चल रही थी तो जिस सरकार ने, पश्चिम बंगाल के सरकार ने जिसको बंद किया था, उन्होंने अपने सबमिशन में दिया कि 16 लोग, पूरे वेस्ट बंगाल के 16 लोग इसको देखना नहीं चाहते हैं। तो ये तो दिस इज अ काइंड ऑफ जोक ना, कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों की आबादी में अगर 16 लोग देखना नहीं चाहते हैं तो वो मत जाए सिनेमा हॉल में। द कश्मीर फाइल को लेकर के बहुत सारे प्रोपोगंडे बनाए गए, बहुत सारी चीजें बनाई गई, पर क्या वो कानूनी तरीके से उस केस को, मुसलमान का जो एक गुट है, जो टेररिज्म माइंडेड गुट है, क्या वो जीत पाया कानूनी तरीके से? नहीं जीत पाया, उनके पास कुछ भी जवाब नहीं था। 3 ट्रिपल तलाक जब मैं बंद करवा रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काफी सारे सप्लीमेंट्री पिटिशंस दिए थे, लेकिन जब कुरान पर बात आई तो यही निकला कि कुरान ने तलाक के लिए कहा है कि गुनाह, ममानियत कही है। कुरान ने कहा है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क नहीं जाता है। तो बस बंद हो गया, चुप हो गए, इनके पास कोई जवाब नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कि अच्छा काम घर से स्टार्ट करना चाहिए। जिन जिन मौलवी मुल्लाओं को तलाक पसंद है वो अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे दे, अपनी अपनी बेटियों का तलाक करा दे। हर अच्छा काम घर से स्टार्ट किया जाता है ना, तो करा देना चाहिए। तो उनको बुरा लग गया, उस पर मेरी गाड़ियां तोड़ी गई, मेरे ऊपर अटैक किया गया कि मैं ये बोल कैसे सकती हूँ। तो भाई, मैं तो अच्छी बात बोल रही हूँ, मैं तो कुरान के अंदर से बोल रही हूँ, मैं तो कोई हनुमान चालीसा के अंदर से बोली नहीं, मैं तो कुरान की बात बता रही हूँ। ये मुल्ला मौलवी जो कुरान को ट्विस्ट एंड टर्न करके, हदीस का हवाला दे करके और इस्लामिक स्कॉलर का हवाला दे करके जो बात करते हैं, ये सब के सब झूठ बोलते हैं, सबके सब झूठ बोलते हैं। अगर मुसलमान सच में पढ़ा लिखा है और कुरान को उसने बामाईने पढ़ा है, बामाईने जिस लैंग्वेज को वो समझता है, अगर उस लैंग्वेज में पढ़ा है, तो वो इंसान सच को सच बोलेगा और झूठ को झूठ बोलेगा। आखिर क्या बात है कि इनके जितने भी मीटिंग मिचल होते हैं वो रोड पर होते हैं, इनके जितने भी प्रदर्शन होते हैं या इख्तलाफ का जो एहतजाज होता है वो रोड पर होता है। क्यों क्यों जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तब ये हार जाते हैं, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है? क्योंकि हम जब अपने पिटिशंस को रेडी करते हैं तो कुरान को भी साथ में लेकर के उस पिटिशन में रखते हैं कि कुरान ये बोल रहा है और ये चटिंगबाज मुल्ला देखिए ये बहका रहा है। जब भी हिजाब की बात आई सबने कहा अरे कुरान कहता है कि हिजाब पहनो, भाई कुरान ने एक बार भी बुरके के बारे में नहीं कहा है, पूरे 30 पारे ने एक बार भी नकाब बुरका हिजाब आपका स्कार्फ इस बारे में कोई बात ही नहीं कही गई है। सूरह अल-नूर की बात आई है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तन ढकने की बात कही गई है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने तन को ढके। तो हम तो तन ढकते हैं, तो इसलिए ये एक रीजन है कि इनके जितने भी इख्तलाफात होते हैं या नारेबाजी होती है ये रोड पर होती है, और इसमें पार्टिसिपेट वो करता है जो चिटिंगबाज मुसलमान होता है, जो कहीं ना कहीं रोटी सेकने के लिए अपना काम करते रहता है। आज आप एक RTI, हमारे हिंदुस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिससे आप गवर्नमेंट के किसी भी
सेक्टर में या कंसर्न डिपार्टमेंट में आप कुछ भी पूछ सकती हैं और वो बाउंड है उसको जवाब देने के लिए, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी है, यस इतनी ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास कि आप किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी कैबिनेट को आप एक आरटीआई कीजिएगा या पुलिस को या कमिश्नर को या सुपरिटेंडेंट को, तो वो बाउंड है आपको सच रिप्लाई देने के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बहुत ही खूबसूरत, उस आरटीआई में जब भी मैं करके ये चीज करके पूछती हूँ कि मदरसे जो हिंदुस्तान में है उसमें कहाँ से फंड आता है, कहा जाता है मुस्लिम कंट्री से। मुस्लिम कंट्री का पैसा आप क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? आपको तो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, आपको तो स्टेट गवर्नमेंट देता है, और जब मुसलमान कंट्री आपको ये पैसा भेजता है तब आप ऑडिट रिपोर्ट बना करके एज पर द रूल, एज पर द लॉ, आप ऑडिट रिपोर्ट बनाकर क्यों नहीं भेजते हैं कि ये इससे आप मदरसा खोलते हैं, इससे आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह नहीं खोल रहे हैं, इसमें आप कुरान पढ़ा रहे हैं, इसमें आप 40 दिन का चिल्ला करवा रहे हैं, इसमें आप लोगों मुसलमान बच्चों के दिमाग में ये ठूस रहे हैं कि हिंदू जो है काफिर है, हिंदू जो है वो दुश्मन है, ये मुसलमान लड़कियों से तुम शादी करोगे, मतलब एक काफिर को तुम मुसलमान बनाओगे। भाई साहब, आपका कुरान, आपके कुरान में सूरे अल बकरा का वर्सेस 221 आपसे कहता है कि आप निकाह अपने हम कलमा लड़की से कीजिए, और आप मदरसे के अंदर मुसलमान बच्चों के दिमाग में ठूस रहे हैं कि आप हिंदू लड़की से तुम शादी करोगे तो एक काफिर मुसलमान हो जाएगा। तो ऐसे मदरसों को बंद होना जरूरी है जहां एक्चुअली में कोई एडुकेशन है ही नहीं। भाई मैं तो मदरसा नहीं गई, मैंने तो अपनी माँ से कुरान पढ़ा है, और मेरे एक भी जितने भी मैं चीजें बताती हूँ या वर्सेस बताती हूँ या सूर्य का नाम बताती हूँ उसमें तो कोई गलत बात नहीं बोलती हूँ, मैं एक भी गलत बात नहीं बोलती हूँ। मैं इक्वालिटी कुरान बोलता है, इकरा कुरान ने कहा है, जिसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कहा गया है, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं कही गई है, पढ़ो हम सब पढ़ेंगे भाई, कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। तो देखिए, मुस्लिम कंट्री में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है, नैरो माइंडेड, ऑर्थोडॉक्स माइंडेड, लड़कियों को अपनी मुट्ठी में रखने वाला, क्योंकि लड़कियां जिस दिन पढ़ लेती हैं ना उस दिन ये मौलवी मुल्लाओं के कारोबार को बंद करने के लिए हम खड़े हो जाएंगे, जैसे आज हिंदुस्तान में हो रहा है। इनकी चिटिंग बाजियों को ऐसे ऐसे हम पकड़ते हैं ना कि ये पता नहीं, मतलब कभी तस्लीमा नसरीन का मुझे नाम दिया जाता है, कभी मुझे कहा जाता है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, कभी मुझे कहा जाता है कि मैं खुफिया राज है मुसलमानों के खिलाफ मैं करती हूँ। भाई साहब, अगर मुसलमान में नासिर खान कादिर खान बलात्कार करेगा तो मैं तो उसको बलात्कारी बोलूंगी भाई, मैं तो बोलूंगी। जिस हिंदू भाई के प्लेट पे मैं खाना खा रही हूँ मैं तो उसको काफिर नहीं बोल सकती, मैं तो नहीं बोलूंगी, चाहे जो हो चाहे। भाई कुरान ने हमें इंसानियत के बारे में तो बताया है ना, कुरान ने तो कहा है ना, लकुम दीन लकुम वलिय दीन, तुम अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो, तो मैं क्यों जजमेंटल स्टेट कर दूं। नाजिया जी, यही वो कुछ चीजें हैं जो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो खैर सभी लोग इस वक्त भूल चुके हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाइखा जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया खान ने कैसे इन मजहब के ठेकेदारों को एक्सपोज किया और बताया कि कैसे अपने मतलब के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ये जो मजहब के ठेकेदार हैं ये अपने मजहब को और खासकर हदीस को ट्विस्ट करके अपने हिसाब से आवाम को बताते हैं और गुमराह करते हैं। और आपने देखा, सच बोलने पर नाजिया लाई खान जी पे ना सिर्फ हमला हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप इंटरेस्टिंग दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।